गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस सीन्स कुछ इस तरीके के, अभी हमें जाना है एक दोस्त के पास, तो उसकी वजह से हमने कहा कि उसके साथ मिलते हैं, बहुत दिनों हुए नहीं मिले। तो गाइस मैं तो सिंपली तैयार हो गया हूँ, जैसे बस नॉर्मली घर में होता हूँ। तो यहाँ पर ये सैंडल लगाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं, तो व्लॉग में बने रही और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी आज वॉक करने जा रहा हूँ गाइस। तो सुबह को मॉर्निंग टाइम में मैं वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मतलब शाम को भी अपना मज़ा एंजॉय करने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ सामने, भाई को कॉल किए, वो आएगा तो साथ में एंजॉय करेंगे मकाई, क्योंकि बहुत दिन हुए हैं हमने मकाई को एंजॉय नहीं किया, तो सोचा कि मकाई को एंजॉय करते हैं। तो गाइस तो सीन कुछ इस तरीके के, आजकल कहीं घूमने जाना नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी भी वजह है कि आपके भाई को जो है ना मज़ा नहीं आता शहर में, तो इसकी वजह से मैं नहीं जा रहा। तो अभी चले चलते हैं मकाई को एंजॉय करते हैं। फाइनली गाइस तो यहाँ पे नेल मिल गई। तो यहाँ से सीन कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ से मैं मतलब अपने आँख में पता नहीं क्या चल गया है, तो उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस तो फाइनली ये शूज़ की हालत चेक करते हैं। गाइस तो मैंने शूज़ ऐसे पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत चोट लगी हुई है इस जगह पे। तो मैंने तो ये शूज़ को ऐसे करके पहना हुआ है, क्योंकि गाइस तो पेंट शर्ट के साथ अगर आप जो है ना शूज़ नहीं पहनते तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस तो अगर नेल वाला या शूज़ पहनता तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने ये शूज़ चूज़ किया। हाँ तो गाइस तो चलिए जब तक भाई आए तब तक मैं थोड़ा बहुत आँख को साफ़ करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस तो फाइनली मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो गाइस तो यहाँ से बल्ब ही चल रहा है, लेकिन अंदर यार गाइस मैं नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक बार मस्त हवा चल रही है। तो गाइस तो मकाई मैंने मंगवाई थी, अभी मकाई आई है तो उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। लगता है रात को मुझे मानी नहीं मतलब खाना नहीं खाना, क्योंकि इसकी वजह से मैं अभी मकाई को इंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइस तो सीन कुछ इस तरीके के हैं कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, इसकी वजह से मैं बाहर आ गया, और अंदर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक्के वगैरह सब कुछ चल रहा है, लाइट वगैरह है। लेकिन गाइस तो मुझे अच्छा मतलब जो है ना मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे हवा चल रही हो, अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, तो पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस तो मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी से इन चीज़ों से थोड़ा बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस तो मैं ये बात भी सोच रहा हूँ कि गाइस तो पहले भी ये ऐसा ही होता था कि अगर आप मतलब 30-40 साल पहले जाओ तो तब भी पंखे वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तब भी लोग जो थे अपने आप को मतलब जो है ना सर्वाइव करते थे, ठीक है। आजकल हम लोग एसी में मतलब पंखे बिजली वगैरह के आदि हो गए हैं, तो अगर आप मतलब कि ना उनसे बाहर निकलो, आप बैठोगे तो आपको मतलब आप बैठ नहीं सकोगे, क्योंकि आप इन चीज़ों के आदि हो गए, ये कि आपकी हैबिट में शामिल हो गए हैं, आपकी डेली रूटीन का आपकी एक डेली रूटीन है। तो गाइस तो मैं मतलब कि कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत इन चीज़ों से अवॉइड करूँ, कि कहीं पर अगर मतलब के मैं अगर थर जाता हूँ या ऐसी जगहों पे तो मेरा जाना होता है, तो अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं मतलब इजीली उनके साथ बैठ जाऊँ, वहाँ पे सरवाइव कर सकूँ। तो इसकी वजह से गाइस तो मक्का ही बहुत अच्छी है, लेकिन गाइस तो यहाँ से थोड़ी बहुत जो है ना जला दिए गाइस तो ब्लैक ब्लैक, तो अभी तो ठंडी हो गई, अभी इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस तो थोड़े बहुत गेस्ट आ गए थे तो उनके सामने मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तक वो चले जाए तो उसके बाद फिर भी गाइस तो मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ मकाई को। तो हाँ तो गाइस तो फाइनली मैं आ गया। तो गाइस तो सीन को जिस तरीके के हैं कि कल क्या हुआ कि कल मैं जब भी कल मैं व्लॉग बना रहा था तो मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी वो 0% हो गई, खुद ब खुद लो हो गई, बैटरी ज़ीरो हो गई। तो मैंने जब चार्ज पे लगाया तो लाइट भी नहीं थी, तो गया था UPS पे चार्ज पे लगाने, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज हो गई। तो मतलब चार्ज मैंने कहा कि फुल करता हूँ, क्योंकि कल व्लॉग भी बनाना है, क्या पता कल कहीं जाना भी हो तो मोबाइल तो फुल चार्ज हो, क्योंकि रात मैंने चला ही नहीं। फिर मैंने व्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बस सुबह को ही निकलते हैं। तो गाइस तो व्हाट अ नाइस, यार मैं पता नहीं बार बार फिसल क्यों रहा हूँ, क्योंकि गाइस तो यहाँ पे जो रास्ता है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है, तो इसकी वजह से। तो गाइस तो चलिए चलते हैं। तो मैंने कज़न को कॉल की है, वो आएगा तो हम जाएँगे। तो गाइस सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात से
सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़े लानी आनी तेरी याद हर दफा। फाइनली गाइस, तो ये मैं छत पे आ गया हूँ गाइस। तो ये कि मैं यहाँ से लेने आया था देसी मुर्गी, क्योंकि गाइस तो घर में थोड़े बहुत मेहमान गेस्ट आ चुके थे, तो गेस्ट भी आ गए थे अपने लिए भी, तो यहाँ से मैं देसी मुर्गियाँ लेने आया हूँ दो तीन। तो मैं नहीं लेके आया, मेरे साथ और भी है जो उठा के लेके जाएगा, क्योंकि गाइस तो मैंने कभी हाथ में पकड़ी नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, ठीक है गाइस। तो वो साथ में लेके आया है, तो भाई अभी नहीं आया जो जिससे हमें मुर्गी लेनी है, तो उसने कहा कि 10-15 मिनट लगेंगे। तो हम यहाँ पर जो है ना, मैं उनकी छत पर आ गया, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत छत का व्यू चेक करते हैं गाइस, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस तो थैंक यू कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग में। तो मैं अभी कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि गाइस तो सीन कुछ इस तरीके के हैं कि आजकल जो हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत जो है ना बिज़ी बहुत हूँ अपने घर में, अपने मसाइल में, बाबा के साथ, तो मतलब उसकी वजह से जो है ना कहीं जाना नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह आपका भाई जाएगा, जब भी जाएगा तो मतलब अच्छे से। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मतलब कि कहीं जाना, मतलब कि शहर वगैरह में, तो मैं इसकी वजह से बहुत मतलब घर गांव में होता हूँ, कि गाइस तो गांव की लाइफ मतलब कि है ना मेरे खून में है, तो इसकी वजह से मतलब मेरा दिल नहीं करता कि कहीं जाने का। तो गाइस तो मतलब कहीं भी जाता हूँ ना अजीब फील होता है यार। मैं गया था तकरीबन, मुझे याद है एक दो साल पहले मैं गया था लाहौर और मुल्तान, इस्लामाबाद, ये सारी मतलब एरिया घूमे थे गाइस, तो इतना बोरिंग फील हुआ था। 2-3 महीने मेरे ज़िंदगी के मतलब इतने बोरिंग थे ना कि मैं आपको फ़ील नहीं करा सकता गाइस। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, यहाँ की ज़िंदगी सुकून है, यहाँ पे लोग आपको मोहब्बत करने वाले लोग, आपकी इज़्ज़त करने वाले लोग, आपको साईं साईं करने वाले लोग, मतलब बहुत यार रिस्पेक्ट है यहाँ पे हमारी गांव में, तो इसकी वजह से यहाँ को छोड़ने का दिल नहीं करता। तो इसकी वजह से गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरे साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं, ईदी में भी चांद।